नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कल को हमें कैसे यहाँ पे प्रिपेयर करना है। वेनसडे है तो कल क्या यहाँ पे साइडवे हो सकता है या तो कंटिन्यूएशन यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों आवाज़ में थोड़ा खांसी या ऐसा लगे तो माफ़ करना, मैं ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं फुली रिकवर नहीं हुआ हूँ, पर क्लोजिंग ऐसा हुआ है तो मैंने सोचा आपके लिए एक अपडेट कर दूँ कि जहाँ पे लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। आज सुबह मैंने आपको अपडेट किया था कि अगर हम यहाँ पे 1820 के नीचे जाते हैं तो हम 968.90 जाएंगे, इसने लो लगाया करीबन 854, और बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा गिरावट देखने को मिला था। फिर यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई बना था, जैसे यहाँ पे हमारी फेवर में आया यहाँ पे डबल बॉटम बन के क्लोज हुआ है। और आज हमने फिन निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा सा ट्रेड लिया था, हमने 18,500 का कॉल शॉर्ट किया था करीबन 94 के आसपास, मैंने शॉर्ट किया था 126 के आसपास, तो वो एट द एंड जाके ज़ीरो में क्लोज हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको भी वो ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप साइलेंसी मेंबर बन सकते हो, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओगे। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब हम यहाँ पे हम सीधे चलते हैं डेली चार्ट पे कि हमें यहाँ पे कैसे कैंडल क्लोज देखने को मिल रहा है। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सबको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, जितना क्लियर होगा इतना अच्छा दिखेगा। तो इस लेवल पे जब यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा था तो हमें डबल बॉटम दिख रहा था, ये जो कैंडल था ये ऐसी जगह पे क्लोज था कि यहाँ से हम W भी बना सकते हैं और N भी बना सकते हैं। आज का जो क्लोजिंग है यहाँ पे एंगल्फ किया है पूरा ये बॉडी को, इसका हाई था यहाँ पे 141, I 127 है, तो इसने बॉडी को इंगल्फ किया, एक नेगेटिव भी कह सकते हैं कैंडल। तो इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ से एक एन पैटर्न बनेगा, एन पैटर्न बनेगा तो हमें थोड़ा लंबा टारगेट भी मिल सकता है जो हो सकता है 17421 तक जा सकता है, पर हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होना चाहिए करीबन 790 के आसपास। उस टाइम हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे, क्योंकि क्या होगा एक बार दो बार या तीसरी बार होगा, इस बार आएगा तो यहाँ पे शायद होल्ड ना भी करे और सीधा यहाँ पे चला जाए 647। तो ये वेनसडे और थर्सडे को आपको ध्यान में रखना है काफ़ी अच्छा सा। तो इसमें जो अभी जो पैटर्न हम बना देख रहे हैं वो इस हिसाब से हम यहाँ पे देख रहे हैं, या तो ये यहाँ पे रुकेगा 641 या फिर फर्दर डाउन जाके ये यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है। तो ये अगर गैप इसको फिल करना है तो इस लेवल तक हम यहाँ पे उसको देख सकते हैं, जिसका लेवल आएगा 360 के आसपास यहाँ पे बन रहा है, तो इसको ध्यान में रखना। तो हमें कल कैसे ट्रेड करना है वो हम आगे इंट्राडे के चार्ट में देखेंगे। चार स्टॉक है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इसमें बैंक निफ्टी यहाँ पे देखते हैं तो इसमें भी हमें इंगल्फ देखने को मिल रहा है, ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन जो है वो है 41,522 के आसपास है। तो कल हमें यहाँ पे अगर हम फ्लैट ओपनिंग होते हैं लो लगाते हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं, कंसोलिडेशन के बाद फिर से गिरेंगे तो इसमें भी हम लोअर एंड जा सकते हैं 40,800 के आसपास। अदानी में आपको यहाँ पे जो ट्रेड है आज मैंने शेयर भी किया था कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है, इसके नीचे ब्रेकआउट तो यहाँ पे कंटिन्यू आपको देखने को मिला, आज काफ़ी अच्छा फॉल आया है। जब भी देखोगे यहाँ पे अदानी में जैसे फॉल आता है तो कंटिन्यू आता है एक ही कैंडल जो बनता है 200-250 पॉइंट का। आज लास्ट में हमने बाउंस देखने को मिला, ये जो बाउंस आया कहाँ से आया, लास्ट टाइम यहाँ पे जो सपोर्ट था। अब हमें क्या ध्यान जो रखना है वो ये लेवल का है, कल हम यहाँ पे जा सकते हैं 3522 के आसपास, फिर यहाँ पे सपोर्ट एक है। तो कल हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है और हम फिर से ये रेड कैंडल का लो ब्रेक करते हैं 3616, हम फिर से उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर में आपको क्या ध्यान रखना है, 3694 एक अभी आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। रिलायंस में भी काफ़ी अच्छा सा एक हमें वीकनेस देखने को मिला था, ओपन इक्वल टू हाई है, तो इसको भी अगर हमें शॉर्ट करना है तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और वो 2544 को ब्रेक करता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, 2528 एंड 2506 हमारा टारगेट रहना चाहिए। HDFC बैंक वीक जो मैंने आपको पहले शेयर किया था कि ये यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आपको जैसे ये बड़ा कैंडल है वैसे बड़े कैंडल देखेंगे, हमारा टारगेट 1538 है, तो अभी भी इसको शॉर्ट कर सकते हो। HCL टेक TCS के रिजल्ट के बाद में हमें यहाँ पे इसमें भी एक गिरावट देखने को मिली है, तो हमें यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कैंडल बना है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एक ब्रेकआउट दिया था, अभी ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो यहाँ पे सीधा यहाँ तक जा सकता है 980 तक का। तो इसके नीचे जैसे ट्रेड करता है
1056 के नीचे हम यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेंगे 1072 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो या तो फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट यहाँ पे पहला होना चाहिए 1038, उसको ब्रेक किया तो 9990 आपका टारगेट होना चाहिए। ग्लोबल क्यूज अगर अभी हम देखते हैं तो 144 पॉइंट्स माइनस दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स का यहाँ पे शूटिंग स्टार बना था, इसके नीचे यहाँ पे अगर ट्रेड किया तो कंटिन्यूएशन वापस आ सकता है, जैसा बड़ा कैंडल वैसा यहाँ पे हो सकता है अनलेस एंड अंटिल यहाँ पे ये होल्ड कर जाए। एसजीएक्स निफ्टी अभी दिखाई दे रहा है -12 है, और वीक्स यहाँ पे बड़ा हुआ है 5.85% के आसपास। क्रूड 79 है और यूएसडी आईएनआर भी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डॉलर भी हमारा रुपी मजबूत हुआ है तो भी हम मार्केट अभी गिर रहा है दोस्तों। अब वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। तो ये जो हमारा इंट्राडे चार्ट है हम उसको स्टडी करते हैं कि कैसे हमें कल ट्रेड करना है। जिस जगह पे हम क्लोज हुए हैं वो आपको ये स्विंग लो काफ़ी ध्यान में रखना है जो है 857। ऊपर में क्या होगा अभी आपके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, जब तक ये कैंडल के ऊपर आप सस्टेन नहीं करोगे तब तक आपको एक बाउंस ऊपर की साइड नहीं देखने को मिलेगा। जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो एक कैंडल के ऊपर क्लोज होने पर आएगी, 15-20 मिनट यहाँ पर सस्टेन करेगा तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट होगा वापस 18020 का, नहीं तो यहाँ से ही जैसे रिजेक्शन आता है तो हम फिर इसको भी ब्रेक करके वापस 790 आएंगे। तो कल आपको देखना है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम पुट में बैठ सकते हैं जैसे ये लेवल ब्रेक होता है। फ्लैट ओपनिंग में भी ये लेवल ब्रेक होने पर हम बाय कर सकते हैं। गैप अप में हमें ध्यान रखना है ये कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी हम यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, W यहाँ पर कन्फर्म कर रहा है। W यहाँ पे होने के बाद आपको क्या करना है, आपके लिए अभी भी ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप देखोगे ये कैंडल जो फर्स्ट कैंडल था उसको इजीली यहाँ पे गिव अप नहीं होगा। तो आपके लिए क्या होगा कि शॉर्ट कवरिंग अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जब ये यहाँ पे 180 को क्रॉस करता है तब आप 140 पॉइंट्स के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। पर क्या होगा कि यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर यहाँ से ही रिजेक्शन मिल जाता है तो आप जैसे ही ये कैंडल निकलता है 900 का 41900 के नीचे शॉर्ट करोगे, आपका टारगेट 41500 होना चाहिए। सॉरी दोस्तों मैं छोटा सा ही वीडियो रख रहा हूँ, मिलता है नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।